हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। द स्लांट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। यहाँ डायग्राम दिया हुआ है बच्चों। ऊपर वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस 6 सेंटीमीटर है, नीचे वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस 8 सेंटीमीटर है और ये स्लांट हाइट 4 सेंटीमीटर है। यहाँ भी ये सारे मेजरमेंट हम लिख लेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज 4 सेंटीमीटर। फॉर्मूला यूज करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम इज इक्वल टू पाई इंटू आर वन प्लस आर टू इंटू एल यूनिट स्क्वायर। हम एक और भी फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, जो है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर वन प्लस आर टू इंटू एल सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो पाई आर वन प्लस पाई आर टू इंटू एल इज 4, सो वी विल राइट नाउ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम देख रहे हैं हमारा, हमें क्या मिला है, पाई आर वन प्लस पाई आर टू। जैसा कि हम यहां देख रहे हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर, ऊपर और नीचे वाले दोनों सर्कल का सर्कमफ्रेंस हमें दिया हुआ है जो कि 2 पाई आर से निकलेगा। तो अगर यहां हमें पाई आर की जरूरत है और यहां भी पाई आर की जरूरत है तो इन दोनों नंबर्स को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पाई आर मिल जाएगा। तो हम वही करेंगे, 18 अपॉन 2 प्लस 6 अपॉन 2 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 2 जो है इस 18 के साथ कैंसिल होगा और यहाँ न्यूमरेटर को 9 आ जाएगा, और ये 2 ये 6 के साथ कैंसिल होगा, यहाँ न्यूमरेटर को 3 आ जाएगा। तो अगले लाइन में हमारा 9 प्लस 3 12 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर।